भारत का तीसरा मुकाबला है आईसीसी विश्व कप T20 में, और मुकाबला है भाई अफगानिस्तान के खिलाफ, जो अभी भी भाई रेस में बने हुए हैं सेमीफाइनल्स के लिए, और कहना होगा भारत से कई आगे हैं सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए। मैच नंबर 33 भारत का पहला मुकाबला अबू धाबी में। जहीर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम दैट सेकेंड लॉस न्यूजीलैंड और अब तक, क्या रोहित शर्मा वापस ओपनिंग करने आएंगे या अभी भी आपको वही टॉप फोर देखने को मिलेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब देखिए हमें कल तक वेट करके करके ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी अभी आप ऐसे स्थिति में हो ना कि या तो आप बोलो कि जो एक डिसीजन आपने लिया है, आपने हर जगह सुना है कि विचार विमर्श करके, सबसे सलाह वगैरह मशवरा करके ये डिसीजन लिया है हमने, तो वो एक मैच के बाद चेंज करना भी गलत होगा। और तो अगर आपने मतलब अगर एक मैच के बाद चेंज करना हो तो फिर लिया ही क्यों डिसीजन वैसे, तो वो चीज जरूर देखनी होगी। तो इसलिए सवाल तो बहुत अच्छा है अर्जुन, लेकिन इसका जवाब मैं चाह के भी अभी दे नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि दो थॉट प्रोसेस है इधर अलग, बराबर। तो उसमें अभी कौन से थॉट प्रोसेस के साथ टीम आगे बढ़ रही है ये हमें वेट करके ही देखना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस दोनों भी गलत नहीं है, अगर आप वापस रोहित शर्मा की तरफ जा रहे हो तो उसमें भी वो गलत थॉट प्रोसेस नहीं है कि हाँ ठीक है, आपको आपने इंस्टिंक्ट को अपने बैक किया, कहा कि चलो हमारे लिए बेस्ट चांस ये है क्योंकि हम नेट रन रेट का भी सोचेंगे, और अब वो नहीं चला तो आप वापस ट्राइड एंड टेस्टेड या प्रूवन मेथड की तरफ चले, आपके देखिए बाकी सब ठीक है, इसी ने हमें सक्सेस दिया है इसी की तरफ। तो थॉट प्रोसेस तो दोनों सही है, उसमें कुछ आप सही या गलत या कुछ ज्यादा आंक नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वेट करें और देखें कल क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि थिंक टैंक इंडियन टीम का किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा से सोच रहा है या किस तरीके की टैक्टिक्स लेके आगे बढ़ रहा है। आश्वा, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए, अगर सूर्य कुमार यादव फिट हुए, क्योंकि वो नेट्स में दिख रहे थे यू नो थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए, अगर सूर्य कुमार यादव फिट हुए then can we assume कि सूर्य कुमार यादव walks back into the 11, ईशान goes out and रोहित शर्मा goes up to the order? देखिए अगर मेरे हाथ में हो तो मैं जरूर खिलाऊंगा सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि खास तौर पर ऐसा नहीं कि ईशान किशन अच्छे खिलाड़ी नहीं है, केवल एक एक मुकाबलों से नहीं आंकना चाहिए। हम तो यहाँ पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब लास्ट टाइम अजय थे यहाँ पे, उन्होंने कि आप जब यहाँ चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक पे ना लोग शामी को बड़ा लताड़ रहे हैं, पर मैंने कहा पाकिस्तान से मुकाबला हारेंगे कि शामी ने क्या गलत किया मुझे तो पता ही नहीं लगा। अब जैसे ये वाला मुकाबला भी देखिए, उन्होंने कोई बोले कि एक ही ओवर किया 10 रन चले गए, तो वो एक ओवर से तो नहीं उन्होंने मुकाबला हरा दिया। तो यहाँ पर भी ईशान किशन की ऐसी कोई गलती नहीं, पर मैं इसलिए सूर्य कुमार यादव को खिलाऊंगा, एक कि जो चर्चा सब कर रहे हैं यहाँ पर और जो भारतीय टीम ने सोची वो चली नहीं, कि अगर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे तो रोहित शर्मा करेंगे ओपन, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, और उसके लिए सबसे बढ़िया खिलाड़ी रोहित शर्मा से बेहतर आपको विकल्प मिल नहीं सकता, उस पर तो मैं चर्चा करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, विराट कोहली नंबर 3 आते हैं, क्योंकि विराट कोहली के लिए नंबर 4 T20 मुकाबले में बहुत ज्यादा नीचे नंबर है मेरे हिसाब से। और तीसरी चीज कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, देखिए उनके पास तो स्पिन हैवी है वो तो, और स्पिन जब आप खेलने की बात करते छक्के तो ईशान किशन भी बड़े लगाते हैं, पर जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने पिछले 1.5 साल खेल दिखाया है, इसीलिए तो आपने उनको टीम पे लिया ना, कि अभी तक यहाँ पर चलिए एक मुकाबला खेले नहीं, एक में रन बने नहीं है, पिछले भी एक दो मुकाबले में नहीं बने, पर उनसे आप अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर आप खाली छक्कों पे डील नहीं कर सकते, ईशान किशन के ज्यादा जो होता है ना छक्कों में डीलिंग होती है, सूर्य कुमार यादव सिंगल और चौके भी लगाते हैं, चाहे वो नबी हों, और कल देखने वाली बात होगी मुजीब खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो उन सब नजरियों से तो मैं सूर्य कुमार यादव अगर फिट होंगे तो उनको जरूर खिलाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जहीर, गेंदबाजी में कुछ बदलाव आपको यू नो कैन यू एक्सपेक्ट कि कुछ बदलाव होंगे? भुवनेश्वर कुमार को पिछले मुकाबले में बाहर किया था, राहुल चहर को अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में देखा नहीं है, रवि अश्विन को अभी तक इस टूर्नामेंट में देखा है नहीं, are you expecting any changes there? दो ही मैच, मुझे नहीं लगता है कुछ बदलाव करने चाहिए, और सिंपल वजह है क्योंकि आपने गेंदबाजी के लिए उतना मौका दिया ही नहीं है। अगर आप उतने रन बनाते और बोलर्स उतना अपने टास्क को नहीं निभा पाते तो मैं बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक उस स्थिति में गेम गया ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो आप दोनों मैच जो हारे हैं आप रन नहीं बना पाए इसलिए मैच हारे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में कोई ज़्यादा विचार विमर्श होना चाहिए। जो भी आपको बदलाव करना है वो या तो अप्रोच में करना है, या जो भी समस्याएं रही है वो फॉर्म बेस्ड समस्याएं रही है कि आपने अब तक वर्ल्ड कप में उस तरीके से जिसने आपके बल्लेबाजी में दमखम है उतना बल्लेबाजी का दमखम कभी दिखाई नहीं अब तक, तो इस टूर्नामेंट की तरफ आप जब देखोगे तो आपको बिल्कुल एक रियलिस्टिक तरीके से आंकना चाहिए और कहना चाहिए ठीक है ये चीज़ें हमने नहीं की है
अब हम क्या कर सकते हैं जिससे वो सारी चीजें वापस आए? अफगानिस्तान की बात करते हैं जी। यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, ऑफकोर्स जब बल्लेबाजी टोटल सेट करना पसंद करती है, लेकिन अगर इनकी मेन स्ट्रेंथ है आशु भाई, तो इनके तीन स्पिन गेंदबाज, और जिस तरीके से ईश सोडी मिचेल सैंटनर ने ऑपरेट किया भारत के खिलाफ उनके दूसरे मुकाबले में, कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे या पहले से ऑफकोर्स रिज्यूम किया होगा कि ये हमारे तीन तुटके इक्के हैं कि अगर भारत को रोकना है तो कहीं ना कहीं ये तीन बंदे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और देखिए खासतौर पर राशिद खान और मुजीब, और नबी भी मैं कहूंगा नबी एक अलग है कि वो भारतीय टीम ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलती हमने देखा है, और ज्यादातर लोग बात करते हैं कि ऑफ स्पिनर को मना, ऐसा नहीं कि हर बार आप खेल लेते हैं, पर फिर भी उनके मौके ना बाकी दो से कम मानते हैं। जिस तरीके से राशिद खान डालते हैं गेंदबाजी, जिस तरीके से मुजीब गेंदबाजी डालते हैं, उन्होंने सबके सब केवल किसी भी T20 मुकाबले में आप देख लीजिए, किसी भी पिच पे आप देख लीजिए, सारी दुनिया में सबके सब बल्लेबाजों को दिक्कतें पैदा करी हैं। पर अफगानिस्तान के लिए केवल ये तीन स्पिनर ही नहीं, मैं तो कहूंगा जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी भी है ना, वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट करती है अर्जुन। ऐसा नहीं कि केवल आप ना गेंदबाजी पे टिके हुए हैं, माना कि हर बार टॉस जीत के उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी कि अपना ना ज्यादा लोहा मनवाते हैं, अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनको, 12 ओवर जो उनके स्पिन के हैं, और तेज गेंदबाजों ने भी ठीक ठाक करी है गेंदबाजी, पर बल्लेबाजी भी जिस तरीके की है ना उनकी, उनके पास भी काफी टैलेंट है, काफी जो आप कहते हैं ना एक्साइटिंग प्लेयर जो है, कुछ एक्साइटिंग प्लेयर है, मेरे को काफी टैलेंट दिखता है अफगानिस्तान की इस टीम में। तो चाहिए पहले बल्लेबाजी करें, चाहिए गेंदबाजी करें, भारतीय टीम को ना एक कड़ी जो फाइट है ना उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर आपने अफगानिस्तान को आराम से हराना है कि फाइट तक ना पहुंचे T20 मुकाबले, तो भारतीय टीम को बहुत अच्छा खेल दिखाना होगा इस टीम के खिलाफ।